होगी शुरू बननी। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप दोस्त साहब? आप उम्मीद करता हूँ सब कुछ खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक आप सब पे अपना रहम करम फरमाए। मैं जी आज मौजूद हूँ लाहौर में अपने बहुत ही प्यारे और पुराने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो हमेशा जब भी इनके पास आए हैं, इनके पास बड़ा अच्छा शौक देखने को मिला है। आप दोस्तों ने भी हमेशा पसंद किया है और ये मेरे साथ माशाल्लाह 2016 से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने स्टार्ट किया था पेज का अपना नेटवर्क सारा शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स का, तब का मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत ही अच्छा भाइयों वाला इनके साथ प्यार मोहब्बत है। मेरे साथ मौजूद हैं जी उस्ताद मलिक असद साहब। तो इनका तारफ मैं कहता हूँ कि आजकल तो ये छाए हुए हैं अपने शिगिर्दों की छतों से, बड़े अच्छे मुकाबले भी इन कर रहे हैं। उस्ताद जी कैसे मिजाज है आपके और कैसी तबीयत आपकी? जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी देखने वालों को सलाम, और दूसरे नंबर पे शाजी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। इस दफ़ा कैसा शौक हो रहा है आपका, किस तरह शौक कर रहे हैं, क्या इस दफ़ा फिर आपके मुकाबले लगे हैं? जी शाजी माशाल्लाह सात बाजियों की आवाज़ ही हमें कि आप सात बाजियाँ खेलें। 11 तक का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान था कि 11 बाजियाँ खेलें, लेकिन नहीं लगा। जेठ के चार प्यारे लगे हैं, बैसाख के दो लगे हैं, अभी हैं अपना दो बरोजे लगे, इंशाल्लाह अभी लगे। यानी कि अच्छी तैयारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा शौक देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा शौक देखने को मिलेगा। बात है ये सिर्फ शौक है, शौक है तो शौक शौक ही हद तक रहे तो ज्यादा अच्छा है, अना का मसला ना बने। तो मतलब इस दफ़ा मौसमी हालात भी बड़े चेंजिंग नजर आ रहे हैं जी मेरे, तो क्या सूरत हाल रहेगी आप थोड़ा सी इस चीज़ पर जरा नजर पड़े। तीन चार अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे इंटरव्यूज वगैरह लगे हैं यूट्यूब पे। मैंने जब सर्दी चल रही थी मैंने तभी ये बात की थी कि जो आसार नजर आ रहे हैं ना, 2023 की गर्मी 22 से बहुत ज्यादा टफ होगी। ठीक है, अभी आप धुंधली सी धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी का एहसास हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। ठीक है जी, ये देख लें आप, अभी ये फरवरी है, मार्च में आपको पता चलेगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर जाएगा तकरीबन 49-50 तक जाएगा जेठ का नॉर्मल। जब आप कहेंगे ना यार आज कल से कम गर्मी है तो उस दिन 44-45 होगा, 47-49 तक ये आराम से जाएगा। ठीक है, खसूसन ये 28 कहते हैं कि यार इतना टेम्परेचर जाता नहीं है, लेकिन इस दफा उम्मीद है उनको भी देखने को मिलेगा। हाँ जी, जो कह रहे हैं ना गर्मी नहीं जाएगी वो देख लें। पिछली दफा वैसा कबूतर बाद बड़े इस चीज से डिस्टर्ब हुए थे, परिंदे लेट निकाले, कबूतर जाया भी हो गए, कबूतर डिस्टर्ब भी हुए, बड़े बड़े लोगों ने पर्पल देखी भी थी। शाजी मैं आपको इस दफा क्या सीन होगा मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने लेट निकाले उनके जाया हुआ है, बल्कि मैं इसके उल्टे आपसे बात करूंगा कि जिन्होंने पहले निकाले उनके जाया हुआ है। बाजियां जेठ की खेलनी थी, चेतर में कबूतर निकाल ली है उनकी शॉट से, हमने कबूतर निकाले थे चेतर के एंड से निकाले थे कबूतर, और हमारे जेठ का गुरुदेव आपको मैंने बताया। मैंने तो लाहौर की बात करनी है। ठीक है, लाहौर में शेरपुरा में थोड़ा फर्क है, फर्क तो है, टेम्परेचर का फर्क है, नमी का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ ये चीज तो है। ठीक है, अब जहाँ पे आप बात करें ना लाहौर में जिन्होंने चेतर में निकाले वो टाइम पहले निकाल लिए मेरे भाई, उन्होंने कबूतर उनके बहुत ज्यादा शॉर्ट हुए। ठीक है, जिनके कबूतर खुट्टों में तकरीबन धूप सेक चुके हुए थे ना, उनको पता था कि भाई यहाँ सेकी हुई है धूप में, वो कबूतर शॉर्ट बहुत कम हो गए। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी रही। उसके बाद इस दफा क्या बनेगा, इस दफा तो टेम्परेचर अभी निकालते स्टार्ट तो में टेम्परेचर मिल जाएगा। स्टार्ट में जिनकी तैयारी अच्छी होगी वो इंशाल्लाह ताला अच्छा खेलेंगे। लाल आंग तो हमेशा से सरदार रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 98 से लेके अब तक 2023 तक मैंने लाल आंग के कबूतरों को जो है ना अरूज पे देखा है, मैंने कभी लाल आंग के कबूतरों पे दवाल नहीं देखा। नहीं कुछ उस्ताद को हमेशा सुनते हुए यही, हमारी काफी वक्त गुजर गया कि यार
लाल लखे कबूतर भी गर्मी फर्क हो जाते हैं पहाड़ जाने नहीं 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 अब ये नहीं है कि तरह की बातें ना, 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 ना। लाल आंग का कबूतर उड़ता है अच्छा उड़ता है फिर उसके अलावा इनकी संभाल है गर्मी में जिससे संभाल होगी ना वो अच्छा उड़ाएगा उड़ेगा भी बैठेगा अच्छा लोग कहते हैं ना कि जी कबूतर के पोट में दाना रह गया तो कबूतर फर्क है सुबह हमेशा याद रखें जिस कबूतर के पोटे में रात वाला दाना ना सारे कहते हैं दाना रह गया वो गया दाना गया वो रह गया दाना हमेशा याद रखे दोस्तों जिस कबूतर के पोड़ में रात वाला वो तंग करेगा दिन दिन का जो दाना ना वो कभी भी तंग नहीं कर सकता फ्रेश दाना फ्रेश दाना हाँ जी इसमें आप ये भी कर सकते हैं छोटे इसमें आप अच्छा सलाम काफी बड़ा हो गया अच्छा इसमें आप ये कर सकते हैं ना कि जिस परिंदे का सुबह रात का दाना हजम हो गया हुआ है आप पता है यार दिन इतना लंबा है ठीक है आप उसको खुराक दे सकते हैं अगर आपने बादाम की खुराक पे लगाया हुआ है उसको पहले छोटी गोली से स्टार्ट करें उसकी बढ़ाते जाएं दो तीन अब बहुत से ऐसे साजा कराम है जो बाजरे पे लगा देते हैं बहुत से ऐसे हैं जो गंदम के दलिये पे लगा देते हैं तो दिन वाला जो है ये तंग नहीं करता रात में जो पोटे में रह जाता वो दाना जी सर कमल साहब आजकल एक और भी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त छाई हुई है हर कुत्ते में तकरीबन पहुँच चुकी है वायरसेस पहले से डिफरेंट पहले से ज़्यादा असरअंदाज कर रहे हैं जी जी शाजी उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि या ये वायरस जो है ये दाने से है या रख रखाव से है या किस तरीके से ये वायरस इतने ज़्यादा इंजेक्ट शाजी स्पीड से तो पहले नहीं करते वायरस का सबसे मेन बड़ी वजह है कुत्ते लिमिटेड से हैं परिंदे ज़्यादा एक चीज जी वायरस आपके पास जगह थोड़ी है और कबूतर आपने घुसाए हुए ज्यादा खुद्दों के अंदर है हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल भी नहीं है उस सूरत में और हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट ये है कि हम लोग समझते हैं कि हमने वैक्सीन कर ली ना तो हमारा परिंदा बिल्कुल सेफ हो वैक्सीन के भी तो कुछ रूल है ना वैक्सीन आपने कर ली फिर उसके साथ रूल ये भी है कि आपने बाहर से परिंदे ला ला के अंदर नहीं छोड़ नया परिंदा छोड़ना ठीक है और वैक्सीन की जो अकसाम है दोस्तों वो दो है एक होती है लाइव वैक्सीन एक होती है किल वैक्सीन लाइव वैक्सीन वो होती है जो हम परिंदों को पिलाते हैं पानी के अंदर डाल के किल वैक्सीन वो है जो हम लगाते हैं टीके की सूरत में जो फौरन से असर करना शुरू कर दोनों में से बेस्ट कौन सी है बेस्ट जो अभी चल रही है लेटेस्ट वो एंडी एवेन्यू है बड़ी अच्छी है पिलाने वाली है लाइव एंडी नहीं ये इम्पोर्टेड मेडिसिन है और ये जर्मनी से इम्पोर्ट हो गया थी ठीक है फिर यहाँ पे वैक्सीन के हवाले से एक और जी शेयर कर दो हाँ ठीक है आप जाओ उस वो आ रहा है तो हम लोगों को वैक्सीन का तरीका कार ये नहीं पता हम लोग जिस जगह से लेते हैं ना ये है बेसिकली फ्रिज की आइटम है जब हम ले हमें चाहिए कि उसको हम बर्फ़ के अंदर रख के ले गए लोग क्या करते हैं जी वो दो चार दस पीस की बर्फ़ बचाने के लिए ना वैक्सीन उठाई जेब में डाली चल गई वो जैसे ही इसको हीट मिलती है दोस्तों वो फारिग हो जाती है वैक्सीन का तो पता ही नहीं है मतलब ये हमारे जो लाहौर में सबसे अच्छी कोई मेडिसिन लेनी हो तो पाकिस्तान मेडिकल स्टोर पाकिस्तान सबसे पहले जेल में हाँ जी तो उनका मैंने देखा वो लैदा शॉपर में डाल के बर्फ भी देते बहुत अच्छा करते हैं बड़ा अच्छा वो उनके असल में वैक्सीन का तरीकाकार रखने का भी जब बाहर से आती है उस वो भी बर्फ में आती है जब आके हम यहाँ पे आकर उसको फौरन डेड कर देते हैं मैंने ये भी देखा अक्सर कबूतर बाद वैक्सीन लगाते हैं छत के ऊपर ले जाएंगे तो धूप में रख देगा थोड़ी देरी रखना वो तो और ये एनडी एवेन्यू में बता रहा था आप 5 लीटर पानी में एक डालें और अपने परिंदों को पिलाएं इंशाल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा असर आप होगा कमल सर झोले वाले कबूतरों का आगे बता रहे थे वो भी आज थोड़ा सा दोस्तों को किसी टिप दे दो
बच्चे आजकल के बड़े। हाँ फिर आगे बैठ। वालेकुम सलाम। इसमें दोस्तों ये आता है, शाहजी ने उसके झोले के लिए पूछा है, लकवे के लिए, झोले के लिए। तो दोस्तों बड़ी अच्छी चीज है, मैं ये आजमा चुका हूँ। खुदा ना खास्ता आपके किसी परिंदे को लकवा या झोला हो जाए ना, सबसे पहला उसका जो इब्तदाई ट्रीटमेंट होता ना, हम लोग उसकी दुम उखाड़ देते हैं। दुम उखाड़ दी झोला या लकवा, दुम उखाड़ के दोस्तों आपने दाना हाथ से नहीं देना, डेरी की सूरत में उसके आगे रखें, वो खुद से खाए, उससे खाएगा। दूसरा इलाज इसका ये है, पहला दुम उखाड़ना। दुम उखाड़ने से क्या होता है दोस्तों, खून की सर्कुलेशन उसकी जो है ना, नए सिरे से खून बनना शुरू हो जाता है ये, फिर वो दाना खुद से खाता, उसकी गर्दन के ये जो पट्ठे हैं ना, ये मजबूत होते हैं। दो, तीसरे नंबर पे आपने ना सेंट्रम सिल्वर का चौथा हिस्सा उसको डेली एक चौथा हिस्सा दें, 15 दिन तक लगातार, यानी कि पानी के साथ वो दे दें। हाँ जी, रात के टाइम आप दे दें, इंशाल्लाह अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो परिंदा है ना, आप कहेंगे यार ये वो है ही, ठीक है, यानी कि दिन ब दिन वो बेहतरी की तरफ आता है। मैं अभी शाहजी से बात कर रहा था कि मैं घर में गया शो करने के लिए, तो मुझे उन्होंने बड़े बड़े ये हम आपको गिफ्ट देते हैं, ये मैंने एक भी नहीं लिया। उनके पास ना एक झोले में पट्टी पड़ी हुई थी शाहजी, मैंने कहा यार आप मुझे ये झोले वाली दे दो। वो कहते यार हम इतने अच्छे, मैं कहा यार आप मुझे ये झोले वाली दे दो, और अभी मैंने आपको वो झोले वाली दिखाई है। बहुत अच्छी कबूतरी थी दोस्तों, शोर भी किया, आप महसूस नहीं, चल पड़ी है ये लो। जी शाहजी, इसमें ये चीज आती है ना कि जब कबूतर फर पुटाई करते हैं सुसन इस मौसम की जेठ की, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही गलत है। लोग क्या करते हैं, देसी घी लिया, दे के कबूतर का बुला कर देते हैं। इतना दोस्तों देसी घी की इनको जरूरत नहीं है, माइनर सा वो भी हफ्ते में एक दो मरतबा शाहजी, ठीक है, आपका कबूतर ही अंदर से तलक हो जाता है देसी घी दे के। अभी जो दिन चल रहे हैं इसमें आप रेगुलर देसी घी देते जाएंगे, आपका कबूतर बिगड़ जाएगा, दोबारा प्रवासों में भी खराब करेगा। आप एक रूटीन बना ले, आप एक रूटीन बना ले, बोरे किए आपने, बोरे करने के बाद एक दिन सादे बोरे, अगले दिन आप देसी घी वाले दे दें, उससे अगले दिन फिर नागा, उससे अगले दिन आप मलाई वाले बोरे दे दें, फिर एक नागा, फिर उसके बाद आप मक्खन वाले बोरे दे दें, आप बनने बाद देसी घी देते जाएंगे, आपका बिंदा तलक हो जाएगा, तलक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाद में वो पार पूरे करने के बाद फौरन क्रीज में चला जाएगा। ये भी दाना क्या डालना, नाश्ते में क्या देना? दाना जो है बोरों की सूरत में ही दें, ठीक है, शाम के टाइम आप अच्छा दाना डालें, खुश्क रोटी के बोरे ज्यादा, खुश्क रोटी के दें, कोई चीज ना दें, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप एक दिन का गैप दें, अगले दिन मक्खन वाले डाल दें, मक्खन वाले डाल लें, एक दिन का दही से ऊपर, एक दिन आपने सूखे, अगले दिन आपने कोई चीज डाल ली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह रूटीन बनाएं, ये दाना शाम के टाइम जो आपने डालना है, सरसों का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है, ज्वार का इस्तेमाल लाजमी करें, ज्वार जो है, सरसों का तो सबको पता है, ज्वार जो है ना तो खून को मतला होने देती है, ना बहुत ज्यादा जमने देती है, ये फायदा है। फिर गंदम फिलहाल बढ़ा के रखें, फिर जैसे ही मौसम थोड़ी सी गर्मी आएगी गंदम कम कर लें, बाद में बढ़ा लें। ये दोस्तों बड़ा एक छोटा सा इंटरव्यू था सामने कसर साहब का, इस बैठे बैठे अचानक ही प्रोग्राम बना, तो छोटे से दो तीन सवाल आद कर लिए, तो इंशाल्लाह ताला फिर भी आप दोस्तों के साथ मिलेंगे और एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वो इंटरव्यू सुनने का, देखने का, और लोगों से मुख्य सवाल आते होंगे। ये सिर्फ अचानक की छोटा सा प्रोग्राम किया था, कुछ दोस्तों की छोटी 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 कॉल्स पे जो बातें छातें चलती हैं उसके मतलब, तो ताकि ये दोस्त देख लें सुन लें एक उस्ताद का मशवरा। और सबसे ज़्यादा मैं बात एक ही कह के फिर इजाज़त चाहूँगा कि अगर किसी उस्ताद से आप बात पूछते हैं या उसकी सुनते हैं, उसको तजर्बा ज़रूर किया करें, ताकि आपको पता चले कि वो बात कितनी हद तक ठीक है, कितनी हद तक। बिल्कुल इसी तरह असल में ना दोस्त पता क्या करते हैं, ये देखें कि एक दो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखने वाले होते हैं,
कुछ होते हैं कि जिन्होंने अपने प्यो की नहीं माननी, वो कहते यार भी झूठा ही ठीक है। वो कहते हैं यार पता नहीं ये लोग बेवकूफ हैं जो हमें बता रहे हैं कोई गाइड। अब मैंने कुछ भी बताया इसमें शाह जी, मेरा एक रुपये पैसे किसी चीज का मुझे कोई फायदा है? फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। ये नेगेटिव लोगों को हमने नहीं देखना, हमने पॉजिटिव लोगों को देखना है जो हमें प्यार करते हैं, हमें देखना चाहते हैं, हमने उनकी खुशी के लिए ही करना है। लोग सारी दुनिया लगी रहे लेकिन ये अल्लाह की राह जानती है कि ये हकीकतन दिल से साफ हो गया आप लोगों के साथ। यही चीज मैं इसलिए आप दोस्तों से बात, इसमें ना दो हमारा कोई मिशन है जी मैंने बड़े कबूतर दिखाए जी ये मेरे बिक रहे हैं तो खरीदो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दिखाए नहीं के लिए, इसीलिए तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से चाहेंगे इजाजत फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।